एग्जिट पोल आ गया, महा एग्जिट पोल लगातार जी राजस्थान पर जारी हो। राजस्थान चुनाव के लिए टीवी 9 का सर्वे, टीवी 9 के अनुसार कांटे की टक्कर, बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिलने का अनुमान, तो वही कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिलने का अनुमान टीवी 9 के एग्जिट पोल में, और साथ ही अन्य को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान भी यहां पर लगाया गया। तो देखिए कि लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, जहां पर जुड़े चाणक्य ने जहां कांग्रेस को बढ़त दिखाई, तो देखिए कि दो जो एग्जिट पोल है टीवी 9 की अब हम बात करें, टीवी 9 के अनुसार कांटे की टक्कर जो है और बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो यहां पर हिमाद्री 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया जाए। वो इस एग्जिट पोल की माने तो अब अन्य पे डिपेंड करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल, ये देखा जा रहा था जो मैं कह रही थी ना कि किंग मेकर जो है अन्य रह सकते हैं, तो यहां पर ये दर्शा रहेगा। बिल्कुल ठीक है निमिषा जी, देखिए अब फिर से मुझे लगता है कि आपकी जो मायूसी है जो वो खुशी में तब्दील हो जाएगी। टीवी 9 का सर्वे तो ये कह रहा है कि बीजेपी को बढ़त। देखिए वही मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि राजस्थान ने कोई ऐसा मुद्दा छोड़ा नहीं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं किया हो। हवा पानी की तरह कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार है हर, क्योंकि 100 की जो लिमिट होती है बहुमत की उसको पार कर नहीं पाए थे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को मिनी मुख्यमंत्री बना रखा था, अपने क्षेत्र में जम के भ्रष्टाचार किया है आपने। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा है सरकारी दफ्तरों से सोना मिला है, और बूंदी के अंदर मैंने सुना तो बूंदी के अंदर बिजली विभाग अंदर कैश मिला था, और ऐसा कैश जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। बहुत जगह भ्रष्टाचार हुआ है, खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार की अनुमति राजस्थान की जनता कांग्रेस को देने वाली नहीं है। जहां केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है, मध्यस्थों की मध्यस्थता खत्म हो गई, सीधा पैसा आ रहा है केंद्र सरकार का, वही राज्य सरकार का पैसा दफ्तरों में कैद होकर के कैश सोने में तब्दील हो रहा है। उसके बाद आप जवाब देना चाह रहे हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि निमिषा जी जो है वो एक तरफा बातें की जा रही है, बिना तथ्यों के बातें की जा रही है। मैं इनसे पूछता हूं कि यदि राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाला हुआ तो इनकी ईडी ने और इनकी सीबीआई ने और इनकी आईटी ने छापे मारे, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि उनके प्रवक्ता ने सामने आकर क्यों नहीं बताया। इनके कहने से देखिए ये शब्द जो है इसको करेक्ट करिए पौरुष जी, ये केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इसको आप बीजेपी की नहीं कह सकते। ठीक है, ये एजेंसी हिंडनबर्ग पे अडानी के छापे क्यों नहीं मारती? देखिए जो लोग ना न्यायपालिका का सम्मान करते, ना स्वतंत्र संस्थाओं का सम्मान करते, ना भारत की महामहिम का सम्मान करते, ना राज्य के अन्य संस्थाओं का सम्मान करते हैं, तो इनकी उनकी तो रहती है ना। भारत के लोकतंत्र पर आपातकाल थोपने वालों को बात पूरी होने दीजिए, लगेगी आपको पूरा वक्त दिया था, अब पौरुष जी की बात पूरी होने दीजिए। भ्रष्टाचार कह दी है बात, ठीक है उन्होंने भी समझ ली, अब उन्हें बात पूरी करने दीजिए। निमिषा जी रिक्वेस्ट है आपसे, पौरुष जी बात पूरी करिए।